मीन्स अ वेरी गुड मॉर्निंग इन अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग. कितना अच्छा लगता है ना जब हम बोलते हैं फ्रेश डे, फ्रेश मॉर्निंग. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल कि हम अच्छा फील नहीं करते हैं. बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना पड़ता है, घर में रहते हैं तो एयर प्योरीफायर की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं. तो इसी फैक्ट पर आज, एयर पोल्यूशन फैक्ट पर मैं बात करूंगी. आज मैं संडे का दिन है और अपने टेरिस गार्डन में देखिए कितनी मेरे हरियाली हुई हुई है. तो यहाँ पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी इस बारे में. एक नासा की रिसर्च है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को अपने घर के अंदर दूर कर सकते हैं. बाहर तो नहीं कर सकते हैं, बाहर के लिए खैर सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जैसे कि उन्होंने ऑड इवन लागू किया है और पराली के बारे में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं. तो उसमें तो हम अपना सहयोग दे ही सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में रह करके अपनी एयर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करूँगी. तो एक्चुअली क्या है, हमारे घर में इतने सारे गैजेट्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स है, फर्निशिंग्स है, तो उनसे जो गैसेस और वेव्स पैदा होती है इलेक्ट्रॉनिक, तो उनसे हमारे घर की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है. तो उसमें प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. सर इतना तेज है कि मेरी आँखों में लग रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप. तो और एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट वीडियो भी है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी. तो इसलिए मेरे घर में सब बोल रहे थे कि आज मेरा डेब्यू है. तो मैं थोड़ा सा लिटिल नर्वस भी हूँ, तो इसलिए मुझे आपके सपोर्ट और लव की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है. तो इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा. तो मैं आपको अब कुछ बताना चाहूँगी. तो इन सितंबर 1989 में नासा के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या हम अपने घर में इन इंडोर प्लांट्स को लगा करके अपनी घर की एयर को प्यूरीफाई कर सकते हैं. तो वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि यस, ऐसा हम कर सकते हैं, हम अपने घर की एयर को प्यूरीफाई कर सकते हैं इन इंडोर प्लांट्स को लगा करके. तो फिर उस रिसर्च में उन्होंने एक सर्टिफाइड प्लांट्स की लिस्ट दी हमें कि उन प्लांट्स को यदि हम अपने घर पर लगाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने घर की एयर को प्यूरीफाई कर सकते हैं. तो आज उन प्लांट्स में से मैं कुछ प्लांट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स. आज मेरी लिस्ट में सबसे पहला पौधा है पीस लिली. मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके का होता है. आप देख सकते हैं दिस वन इज पीस लिली. तो नासा के साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है ये पौधा उसमें सबसे टॉप पर है. तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और आप देख सकते हैं इसकी लीव्स किस तरह की होती है. ये हमारे एटमॉस्फेयर में से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस को दूर करता है. तो मैं बताती हूँ कैसे ये इस तरीके से पॉल्यूशन को दूर करता है. तो इसके आसपास में एटमॉस्फेयर में ये जितनी भी जहरीली गैसेस होती हैं, सबसे पहले ये उसे अपनी लीव्स में एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे अपनी रूट्स तक पहुंचाता है, फिर रूट्स से जब वो मिट्टी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनका ब्रेकडाउन हो जाता है. तो इस तरीके से आपके एटमॉस्फेयर को बिल्कुल, एटमॉस्फेयर की हवा को बिल्कुल एयर प्यूरीफाई कर देता है. तो इसको बिल्कुल लो केयर की ज़रूरत होती है, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है. एक वीक में आप 2 या 3 बार पानी देंगे तो भी चलेगा, जैसे विंटर्स में बस 3 बार ही दीजिएगा, बहुत कम. फ्रेंड्स यदि आप ज़्यादा पानी देंगे तो आप देख सकते हैं, ये लीफ मैंने दिखाने के लिए ऐसे इसको रखा है कि यदि आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो इस तरीके से ख़राब होने लगता है. तो इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, इंडोर में रखना होता है, डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना होता है, शेड में ही रखना होता है क्योंकि इंडोर प्लांट है. मैंने आपको दिखाने के लिए समय बाहर टेरिस पर लेकर के आई हूँ इसको. तो इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है. और इससे एक फ़ायदा और ये भी होता है कि यदि आप इसको कम पानी देंगे, इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई रहेगी तो मच्छर अट्रैक्ट नहीं होगा, आपके घर में मच्छर भी नहीं आएगा. अदरवाइज़ ज़्यादा पानी देंगे तो मिट्टी गीली रहेगी तो मच्छर भी आने का डर रहता है. इसको आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और इसको प्रॉपर केयर और सही जगह सही पानी दिया जाए तो एक बहुत सुंदर फ्लावर भी देता है आपको, ऑफ वाइट कलर का. अर्ली समर के दिनों में इसमें फ्लावर आता है और किसी भी नर्सरी से आपको ये इजीली मिल जाएगा. 100 से 200 रुपीज़ तक की इसकी कॉस्ट आती है. दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. आप देख सकते हैं इस प्लांट को, इसकी लीव्स को, ये देखिए, ये एकदम सबसे प्यारी सी इसकी लीफ है, एकदम फ्रेश है. और ये देखिए,
फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरे प्लांट की बात करते हैं। मेरा दूसरा प्लांट है मदर इन लॉज टंग, जिसको स्नेक प्लांट और सेंसिवीरिया भी कहा जाता है। दिस वन इज स्नेक प्लांट। ये देखिए, मैंने एक सुंदर से कैटरपिलर के पॉट में इसको लगाया है। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं, ये डार्क ग्रीन कलर में भी आता है, लाइट ग्रीन कलर में भी आता है, बट मेरा वाला जो है वो वेरीगेटेड है, जिसमें आप देख सकते हैं टू डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। ये भी बहुत लो केयर प्लांट होता है, इसको कम पानी देने की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको पानी दें तो ध्यान रखिएगा इसकी लीव्स पर पानी ना दें, मतलब डायरेक्ट सॉइल में ही पानी डालें, लीव्स पर पानी नहीं डालें। और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये, इसको भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है, इसको आप अंदर इंडोर में रखिएगा तो ज़्यादा मतलब ये चलेगा, बाहर तो नहीं रखना होता है इसको। मार्च से लेकर अगस्त तक का जो पीरियड होता है वो इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और इसमें जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तब आप उसी पीरियड में इसमें फर्टिलाइज़र डालें। ये भी वातावरण में से जहरीली गैसेस को दूर करता है, जैसे टॉलोइन, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन, ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसको दूर करता है। फ्रेंड्स, ये गैसेस वो होती हैं जो हमारे पेट्रोलियम जलने से, या हमारे घर में जो फर्नीचर पर पेंट होता है, या जो हम क्लीनिंग के लिए वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनसे जो गैसेस निकलती हैं ये सब गैसेस वही होती हैं। उन सब गैसेस के अंदर जो भी जहरीला तत्व होता है वो सब ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देते हैं और आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं। ये भी आपको किसी भी नर्सरी से ईजिली मिल जाएगा, 150 से 300 तक की इसकी कॉस्ट आती है, और इसे भी आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं, और अपने इंडोर में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने थर्ड प्लांट के बारे में बताऊंगी, जो है पाम। ये आप देख सकते हैं, ये है एरिका पाम और ये है बैंबू पाम। तो इस पाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट, बहुत ही सुंदर पौधा लगता है, मेरा फेवरेट भी है, और ये ट्रॉपिकल प्लांट है। आपके घर में कोई भी कॉर्नर खाली है जिसे आप फिल करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी जगह है तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, वो जगह पूरी भरी हुई नज़र आती है, बड़ा ग्रीन सा लुक आता है, फॉरेस्ट जैसा फील आता है। इसको आप लगा सकते हैं और देखिए कितना सुंदर लगता है ये वाला प्लांट, बहुत सुंदर लगता है मुझे तो। और ये भी बहुत लो केयर प्लांट होता है, इसको पानी बहुत कम देना होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी आप देते हैं तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं गीली होकर के, फिर ये पीला हो जाएगा और मरना शुरू हो जाएगा। इसको भी आपको अंदर रखना होता है, इंडोर प्लांट होता है ये। और इसकी एक ख़ास बात होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप इसको कंपेरिज़न करते हैं अदर प्लांट के साथ तो उनके कंपेरिज़न में ये 30% ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, आपके वातावरण को ज़्यादा क्लीन करता है, और किसी भी नर्सरी से इजीली मिल जाता है ये आपको। ये वाला देख सकते हैं आप, वेरीगेटेड है और बहुत ही रेयर है ये। और इसमें से देखिए कुछ नए प्लांट निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब भी मैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बाहर से थोड़ा सा शोर आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं टेरेस पर खुले में बना रही थी, पहले मैंने एक वीडियो अंदर भी बनाया था इंडोर में, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, एक अच्छा प्लांट्स वाला फील नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर ही टेरेस पर भी बनाती हूँ। लेकिन टेरेस पर बनाने में एक प्रॉब्लम होती है कि बाहर वाला साउंड आता है, तो आप प्लीज़ उस साउंड की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, मेरी तरफ ही दीजिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें से देखिए छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब भी मैं इसकी रीपॉटिंग करूँगी तो इनके मैं अलग से डिफरेंट पॉट में मैं इनको लगा करके डेवलप कर लूँगी, तो फिर ये एक नया पौधा फिर से बन जाएगा। आप देखिए ये वेरीगेटेड है और कितना सुंदर है, ये देखिए आपने दो कलर हैं इसमें। इसकी कॉस्ट 200 से 400 तक की आती है फ्रेंड्स, कहीं से भी इजीली मिल जाएगा आपको, और बहुत ही सुंदर पौधा ये लगता है, उसको पानी दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको थ्री प्लांट्स के बारे में बताया, पाम और पीस लिली और मदर इन लॉज टंग। तो कुछ और भी प्लांट्स हैं जो नासा की लिस्ट में शामिल हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं अगली वीडियो में उन दूसरे पौधों के साथ आपसे मिलने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए फिर से आऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। सो प्लीज़, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स, लव यू ऑल।